दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी अभी बजी भी नहीं है कि उससे पहले ही मुकाबला दिलचस्प हो गया है और इस सियासी खेल को दिलचस्प बना रही है राजनीतिक दलों की रणनीतियां। जी हां, चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऐसा ऐलान कर दिया है जो आपसे ज्यादा बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मोदी सरकार के फैसलों की फेहरिस्त वाले पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। सीएम के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के सहारे जनता से वोट की अपील की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी मोदी के काम पर सवाल उठाकर उसके अरमानों पर पानी फेरने की रणनीति अपना ली है। जी हाँ, कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली का दिल जीतने के लिए नए कानून को लागू न करने का ऐलान कर दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मोदी सरकार के नए नागरिकता कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी कभी भी अपने मंसूबों को कामयाब नहीं कर पाएगी, हम देश को बांटने वाली उसकी कोशिशों को सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस के इस ऐलान से साफ है कि पार्टी दिल्ली का चुनाव नए कानून में कमियों के मुद्दे पर लड़ने वाली है, जबकि बीजेपी कानून को भुनाकर दिल्ली की जमीन पर अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। यानी साफ है कि राजधानी के चुनाव में अब की बार मुद्दा कानून ही रहेगा, जिस पर भले ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी कुछ ना बोले, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जरूर आमने सामने रहेंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कानून की वकालत बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी या फिर मुखालफत कांग्रेस को फायदा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।